खोट है। ओ बेटा ऐसे नहीं बोलते, टीचर जो है ना बाप समान होते हैं। क्या मम्मी हर टाइम अपने जुगाड़ में लगी रहती हो? बाहर मेहमान आए हैं, गिनकर आओ कितने मेहमान हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग चाय बनानी है, जाओ जल्दी। चलो एबीसीडी सुनाओ। एबीसीडी और सुनाओ। और सब बढ़िया मैडम, आप सुनाओ। पागल, एबीसीडी की बात कर रही हूँ मैं, एबीसीडी और आगे क्या हो गया भान, क्यों रो रहे हो? मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया था, उसने कहा मैं पिंकी के साथ हूँ। हाँ तो, लेकिन पिंकी तो मेरे साथ थी। अबान आपको पता है विदेशों में 18 साल का बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है? बड़ी लेक मैडम, हमारे यहाँ तो 1 साल का बच्चा भागने लगता है। अरे पागल, मैं कमाने की बात कर रही हूँ। कहाँ गया था? मूवी देखने। कौन सी? माँ की ममता। तो बेटा जाओ ऊपर, एक और मूवी लग रही है वो भी देख लेना। कौन सी? बाप का कहर। अबान मैं ना बहुत मारूंगी तुम्हें। लड़कों का सबसे बड़ा वहम, मेरी वाली सिर्फ मुझसे बात करती है। अरे अवान तुमने तो होमवर्क ही नहीं किया। मैं पढ़ने बैठा, लाइट भाग गई। लाइट आने के बाद क्यों नहीं किया? मैंने इधर से नहीं पढ़ा, मेरी वजह से फिर से लाइट ना भाग जाए। हमें हमेशा दूसरों की फिक्र करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी हम अच्छे और महान व्यक्ति बन पाएंगे। मैडम काफी महान था, मैं एग्जाम में दिखा देती, इतने में दूसरों के पास हो जाती। मुझसे धोखे से फ्रेंड बंद हो गया। फिर सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। तुम्हारी गलती नहीं है, वो गर्मी इतनी हो रही है ना तो पंखा बंद करने के बाद यही हाल होता है। अरे मैंने आपकी स्कूटी साफ कर दी। अरे मेरा बेटा कितना समझदार है, आज मैं बहुत खुश हुई। बताओ आपको क्या चाहिए, जो आप मांगोगे ना वो मैं आपको दूंगी। नोंडिया साइड करवा दो। मतलब गर्लफ्रेंड चाहिए तुझे इनाम में है? चॉकलेट मांग ले, चिप्स मांग ले, गर्लफ्रेंड चाहिए। बाहर बहुत तेज की बारिश हो रही है, इसका भविष्यकाल बताओ। अब लाइट चली जाएगी। अरे पवन, इरादे इतने बुलंद होने चाहिए कि इंसान पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। कैसे? हैंड पंप से। अगर आपके एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ अकल रखी हो तो आप क्या चुनोगे? पैसा। गलत, मैं होती तो अकल चुनती। मैडम जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। मतलब मेरे पास अकल नहीं है? हाँ मैडम, घुटनों में आना। पेंसिल बोलो, पेंसिल। पेंसिल? आपकी शादी कैंसिल। नालायक, मेरी शादी कैंसिल करवाएगा तो बदतमीज। आपको लाइफ में क्या चाहिए? पैसे। ओह नो, पैसे को साइड में रखो, बताओ क्या चाहिए? साइड में रखो या पैसे? भाई नालायक, पैसों के अलावा कुछ और बता दे। मम्मी बिस्तर किसके लिए बिछा रही हो? बेटा वो मेरे भाई आ रहे हैं। तो फिर एक और बिछाओ। क्यों? मेरे मामा भी तो आ रहे हैं। अच्छा हाँ बेटा, ये तो भूल ही गई, रुक जाओ मैं दूसरा भी लेके आती हूँ। अबान ये तो होमवर्क भी नहीं किया और रोज बुक भी नहीं खोल के देखती हो आप। मैडम मैं रोज एक बुक खोलता हूँ। कौन सी? फेसबुक। अरे नलायक, मैं इन किताबों की बात कर रही हूँ, फेसबुक फेसबुक चलाता हूँ। अबान ऊपर वाले से जो सच्चे दिल से प्रार्थना की जाती है ना वो जरूर कबूल होती है। मगर ऐसा होता ना तो आप मेरी मैडम नहीं सासू माँ होती। नलायक मेरी बेटी पे लाइन मार दिया तुम्हें, बदतमीज। अबान आप फालतू टाइम में क्या करते हो? फालतू लोगों से बात। अच्छा अभी क्या कर रहे हो? अभी वही तो कर रहा हूँ। मुझे छुट्टी चाहिए। क्यों? मुझे लेकर देखनी है कैसी लगती है। अबे नलायक छुट्टी चाहिए बिना फालतू में, अभी रुक जा, तेरे घर पे फोन लगा क्या? आई लव यू का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। वो कैसे? चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। मैं बहुत खतरनाक हूँ, मुझसे पंगा मत लिया करो। कैसे? आज मैंने चाय में बिस्किट को डुबो के उसको मार दिया। कुत्ते का मेरे रिश्तेदार। क्या हो गया बान, कैसे मूड खराब है? मैंने ना आज रिश्तेदार को ब्लॉक कर दिया। लेकिन क्यों? पोस्ट इंस्टाग्राम पे देखते थे, कमेंट करा के करते थे। एकदम ठीक।
शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। ऐसे करना चाहिए रिश्तेदारों के साथ तो।